ब्रॉन्सकन फैमिली वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रैवल शिफ्ट टूर्नामेंट। तो आज भाई 11वां मैच है ट्रैवल शिफ्ट टूर्नामेंट का। तो भाई एक तरफ है अमरदीप सिंह के ब्रेट हार्ट और दूसरी तरफ है आदित्य कुमार के मोहम्मद अली। तो भाई दोनों ही तगड़े सुपरस्टार है, एक बॉक्सिंग के आइकॉन है और दूसरे WWE के लेजेंड है। तो भाई कैओटिक मैच होने वाला, बहुत बढ़िया मैच होने वाला। तो भाई देखते हैं आज इनके लिए कौन सा मैच आता है। तो भाई आज मैच खतरनाक आएगा फिर से, मुझे पता है, क्योंकि दोनों सुपरस्टार खतरनाक है और पता नहीं मैच कौन सा आएगा। तो मैच है सबमिशन मैच और आपको पता है ये मैच किसको फेवर करने वाला है, हमारे ब्रेट द हिटमैन हार्ट को, क्योंकि उनका फिनिशर ही शार्प शूटर है। हालांकि मोहम्मद अली भी लेजेंड है, द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड टिल नाउ। तो भाई अभी मैच क्योटिक होने वाला है, अब मुझे नहीं पता मैच कौन जीतेगा। जो भी जीतेगा भाई बढ़िया ही जीतेगा बंदा, दोनों ही लेजेंड है। आपको क्या लगता है, ब्रेट हार्ट जीतेंगे या मोहम्मद अली जीतेंगे, आप मुझे कमेंट्स में नीचे बताना अभी। और हाँ भाई, वीडियो लेट आने का सिर्फ यही कारण है कि मेरा गला है बहुत ज़्यादा ख़राब। मुझे पता है मैं कैसे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कफ सिरप वगैरह पी पू के थोड़ा सा गले को शांत करके फिर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर समहाओ इन दिनों के बीच में अगर वीडियो मिस हो जाती है, मैं वीडियो नहीं डालता, तो समझ लेना कि मेरी हालत सही नहीं थी वीडियो डालने की, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। बट दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। भाई गले का इतना ज़्यादा बुरा हाल है, मुझे पता है मैं इसको कैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बस हाँ, इसके बीच में खांसी ना आ जाए, खांसी आ जाएगी तो वैसे तो मैं काट ही दूंगा खांसी, बट फिर भी स्टिल वी मैनेज अबाउट दैट। तो भाई अभी मैच तो बहुत नॉर्मल पेस पे चल रहा है, कोई अभी ऐसे ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। पर एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद अली की टॉर्सो येलो हो चुकी है ऑलरेडी। तो भाई इसका मतलब कि मोहम्मद अली ज़्यादा पिट रहे हैं उसके सामने, ब्रेट हार्ट के सामने। तब ब्रेट हार्ट के फेवर में मैच तो है, ब्रेट हार्ट के फेवर के मैच में तो मैच है, क्योंकि एक तो रेसलिंग लेजेंड है वो, ऊपर से सबमिशन मैच भी आ गया है उनके फेवर में है मैच। तो भाई कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस ब्रेट हार्ट के जीतने के हैं, बाकी कोई गारंटी नहीं है भाई। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड टूर्नामेंट रहा है, आज भी अनएक्सपेक्टेड ही होगा कुछ जो भी होगा। तो देखते हैं मैच के लास्ट तक क्या होता है। फिलहाल हाँ बेशक सबमिशन मैच है, बट फिर भी काउंट आउट ऑन है, बाकी सारे रूल्स नॉर्मल है। जो सबमिशन होगा वो सिर्फ रिंग के अंदर होगा, अगर कोई काउंट आउट से हार जाता है तो वह हारा माना जाएगा। तो अभी फिलहाल दोनों रिंग के नीचे लड़ना ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि रिंग के अंदर ही लड़ना चाहिए, फिर ही जीत पाओगे मैच अच्छे से, नहीं तो दोनों नीचे लड़ते रहोगे तो दोनों का ड्रॉ हो जाएगा मैच। अभी मोहम्मद अली ने थोड़ा सा मोमेंटम बनाया तो था, पर उसका मोमेंटम का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, मोहम्मद अली को कोई खास मोमेंटम बना नहीं रहे मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वैसे भी अपनी बॉक्सिंग में लड़ते कम और नाचते ज़्यादा थे, अगर आपने देखा हो भाई ये बहुत फास्ट थे, बहुत फुर्तीले थे भाई, मुक्का ही नहीं खाते थे किसी का, अगला थक जाता था मार मार के इनको, मारने की कोशिश करते करते, पर ये बंदा भाई थकने का नाम ही नहीं लेता था। और हाँ भाई लोग मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे यहाँ तो 4 अक्टूबर है आज और इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, तुम्हारे उधर का मौसम कैसा है भाई? इधर तो गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है भाई, लिटरली इतनी गंदी गर्मी अभी तक जा ही नहीं रही भाई। नॉर्मली सितंबर में गर्मी चली जाती है, इस बार अक्टूबर चल आ गया है, गर्मी जाने का नाम ही ले रहा, उतना ही टेम्परेचर जितना गर्मी में था भाई। क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, अगर अभी इतना गर्मी और ये सब कुछ चल रहा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, मैं तो ये सोच के टेंशन में हूँ आज। और भाई ब्रेट हार्ट ने फिलहाल तो मोहम्मद अली को गजा लिया है भाई सबमिशन मूव में, पर मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी सबमिशन होगा, हुआ भी नहीं क्योंकि पहली बार में सबमिशन नहीं होता, वैसे भी सिग्नेचर फिनिशर कुछ लगा नहीं है तो कैसे ही कुछ होगा अभी। बट फिर भी मैच की पेस थोड़े अजाइल सुपरस्टार्स हैं ये, तो ये थोड़ा धीरे धीरे लड़ेंगे। और गर्मी की वजह से तुम्हारे भाई का लैपटॉप हो गया गर्म और शार्प शूटर लगा दिया भाई, अब तो गर्मी लगेगी मोहम्मद अली को। भाई मोहम्मद अली का रोप ब्रेक हो गया, रोप ब्रेक की वजह से बच गए, नहीं तो मोहम्मद अली का बुरा हाल हो जाता भाई। और भाई पाइल ड्राइवर के लिए गए हैं ब्रेट हार्ट और पाइल ड्राइवर हिट कर दिया भाई, फिर से फिनिशर आ गया है और इस बार रोप से थोड़ा दूर भी है, क्या इस बार सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट रोप मोहम्मद अली? अब तो मोहम्मद अली के पसीने छूटने वाले, रेजिलेंसी यूज करके मोहम्मद अली ने खुद को बचा लिया भाई। मोहम्मद अली के पास रेजिलेंसी थी, पर अब कोई नहीं बचा सकता मोहम्मद अली को। अगर अब फिनिशर फिर से आ गया ब्रेट द हिटमैन के पास तो भाई मोहम्मद अली तो डेफिनेटली हार जाएंगे, ये तो गारंटी है। पर अभी फिलहाल बहुत बढ़िया चल रहा है, अभी मोहम्मद अली अपर हैंड बनाया। और भाई मेरा लैपटॉप गर्म हो चुका है, बीच बीच में थोड़ी सी अगर आपको गेम ऐसी दिखेगी
तो भाई आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अभी क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। एसी वाले रूम में मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकता, वहाँ पे घर वाले होते, टीवी देख रहे होते, एक ही एसी है हमारे पास, भाई क्या करें। भाई हमारे तो इतने बुरे हालात हैं, हम अपनी गाड़ी में डीजल भी नहीं पड़वा पा रहे, पेट्रोल पे है ना। हमारे घर में तो खाना खाना ही बड़ा मुश्किल है भाई, हमें जोमेटो करना पड़ता है, इतने बुरे हाल हैं घर के, मैं क्या बताऊँ यार, मुझे रोना आ जाता है अपने हालात बता के ना। एसी भी एक है, वो भी चलता रहता सारा दिन, मतलब सीरियसली बहुत तरस आता है हमें बिल देख के अपना, जब इतना ज़्यादा आ जाता है तो भाई बहुत बुरे हाल है। मैं अपना दुख नहीं सुना सकता आपको, उसको छोड़ो, हम मैच पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, कहाँ मैं अपने दुख सुनाने बैठ गया आप लोगों को। बहुत दुखी हूँ यार मैं, बहुत इतना दुख भगवान किसी को ना दे। तो भाई अभी तो फिलहाल अड़ के गेम चल रही है, अब गर्मी का कसूर है, गर्मी कहीं कम हो, दुआ करो हमारे यहाँ बारिश हो, गर्मी कम हो, मौसम ठीक हो, तो भाई फिर मज़ा आएगा और मेरा गला भी ठीक हो जाए। गला भी भाई क्या बोलूँ, अगर थोड़ा मैं रुक रहा हूँ तो इसी की वजह से रुक रहा हूँ कि गला जब मेरा थोड़ा सा दर्द करना शुरू होता है तो मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूँ, जिससे मेरा गला थोड़ा शांत हो जाता है, ताकि मैं आपके लिए लगातार वॉइस ओवर कर सकूँ। भाई आप ही के लिए करना है, और भाई ब्रेड द हिटमैन हार्ड ने फिर से पकड़ लिया मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली के पास वैसे दो दो फिनिशर्स हैं, पर फिर भी ब्रेड हार्ट ने पकड़ा, और ब्रेड हार्ट ने छोड़ दिया भाई, ब्रेड हार्ट ने छोड़ दिया मोहम्मद अली को, एक चांस दिया, एक मौका दिया कि जा मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, अगर जीत सकता है तो मैच में जीत ले। मतलब ब्रेड द हिटमैन ने मौका दिया, अच्छी बात है। अभी मोहम्मद अली रोप के बाहर गए हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, मोहम्मद अली को रिंग के बाहर फेंक दिया। मोहम्मद अली की हालत बहुत ज़्यादा बुरी है, और जो मैं कंडीशन देख रहा हूँ मोहम्मद अली की, इससे रिकवरी तो अब मुश्किल है। अब तो मुझे प्रॉपरली, अगर मोहम्मद अली फिनिशर ना लगा पाए तो प्रॉपरली ये मैच ब्रेट द हिटमैन हार्ट के फेवर में है। भाई रिंग के बाहर लगा दिया भाई साहब पाइल ड्राइवर, वो भी मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली इतनी जल्दी, अच्छा एबिलिटी यूज करके स्टन को उन्होंने ठीक कर लिया, और भाई कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद अली, बट क्या वो कमबैक कर पाएंगे, क्या ये कमबैक जाएगा, क्या ये कमबैक चलेगा, क्या इस कमबैक की वजह से मेहन ने पहले इस मैच को जीत पाएंगे, ये देखना जरूरी है। हाल फिलहाल तो ब्रेट हार्ट फिर से कमबैक कर रहे हैं फिर से, और दोनों फिनिशर ऊपर से लेके बैठे हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। 7 काउंट हो चुके हैं ऑलरेडी, इफ यू सी 7 काउंट हो चुके हैं, सबमिट कर दिया ऑलरेडी मोहम्मद अली ने, 8 काउंट हो चुके हैं, 8 काउंट 9 काउंट होने वाले हैं, और मुझे लगता है मोहम्मद अली काउंट आउट से हारने वाले हैं। मुझे लग ही रहा था कि काउंट आउट से मैच हारेगा कोई ना कोई। तो भाई 10 इसी के साथ अमरदीप के ब्रेट द हिटमैन हार्ट जीते हैं इस मैच को, सॉरी फॉर आदित्य कुमार, हमारे मोहम्मद अली आगे नहीं जा पाए। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमरदीप, एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, भाई के एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मुझे नीचे कमेंट में बताओ आपको मैच कैसा लगा। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।